Hello everyone, this is a video lecture on the course Automobile Engineering for the 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. So this is a second part of our last video, that is frame. पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रेम के फंक्शंस और फ्रेम क्या होती है इसके बारे में देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रेम देखेंगे कि फ्रेम के टाइप्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस कहां पर होती है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स डिस्कस अबाउट द लर्निंग आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। In this video lecture, we are going to learn about the types of frame. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि frame के types क्या होते हैं, function of frame हम लोग देखने वाले हैं और load acting on frame. देखिए क्या होता है कि एक frame जो होता है, automobile का जो frame होता है, सारे के सारे जो components होते हैं वो frame के ऊपर mount होते हैं। तो आपके engine है, transmission system है, सीट्स है, बॉडी है, हर चीज जो है वो फ्रेम के ऊपर आके लगती है। तो इसके कंस्ट्रक्शन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हीकल टू व्हीकल अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो अलग अलग टाइप की फ्रेम्स होती है, हर जगह फ्रेम के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। तो फंक्शंस को देखने के लिए, इसका कंस्ट्रक्शन फाइंड आउट करने के लिए, उस पे लोड क्या एक्ट हो रहा है ये भी पता होना जरूरी है। सो इस वीडियो लेक्चर में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैपिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले PO1 मैप हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पे एनहांस होने वाला है, तो इसीलिए PO1 मैप होता है। उसके बाद PO4, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ्रेम को ऑब्जर्व करना है। सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर नॉलेज रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस ऑल्सो। सो दैट्स वाई PO4, दिस इज अ यूजफुल थिंग थ्रू आउट योर लाइफ। तो इसीलिए PO7 मैप किया हुआ है। एंड देन कम्स टू PSO2 भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम एंड PO एंड PSO मैपिंग फॉर दिस वीडियो लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं फ्रेम के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रेम और चेचिस फ्रेम या ऑटोमोबाइल फ्रेम। तो जो चेचिस में फ्रेम लगा होता है उसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। सो देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है चेचिस के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने चेचिस के फंक्शंस डिस्कस किए थे, चेचिस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो चेचिस क्यों जरूरी है, कहाँ जरूरी होता है और कैसे यूजफुल होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। चेचिस में जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था ह्यूमन बॉडी का, कि आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में फिट होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक हड्डियों का ढांचा है। ये जो हड्डियों का ढांचा है इज नथिंग बट द फ्रेम। तो वो जो फ्रेम है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट होते हैं। सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल, खड़ा रखने के लिए, सारे कंपोनेंट को लगाने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है, ये सारी जगह फ्रेम प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं चेचिस फ्रेम क्या होता है। सो सबसे पहले अ व्हीकल फ्रेम इज द मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ मोटर व्हीकल। तो ये क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। किसी भी व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है फ्रेम, यानी उसको खड़ा रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए फ्रेम की जरूरत पड़ती है। अब ये असेंबलीज क्या क्या होती है, जितनी भी आपके व्हीकल की असेंबलीज है वो सारी फ्रेम के अंदर फिट होती है। तो ये देखिए असेंबली में क्या क्या आएगा, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, सस्पेंशन सिस्टम, इंजीनियरिंग और बाकी जितने भी सारे पार्ट्स हो गए, यानी आपके एक्सेल, आपका व्हील, ये सारे फ्रेम से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर फ्रेम का मेन काम क्या है, ये सारे कंपोनेंट को लगाने के लिए जगह प्रोवाइड करना। उसके बाद इट इज मेड ऑफ स्टील सेक्शन एंड स्ट्रांग इनफ टू स्टैंड दी लोड्स। अब लोड्स क्या क्या आती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेम के ऊपर डिफरेंट टाइप के लोड्स आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एंड एज वेल एज
लाइट इन वेट टू रिड्यूस डेड वेट ऑफ द व्हीकल। अब देखिए आपकी फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर सारे कंपोनेंट का लोड आ रहा है, पूरा वेट कहाँ पे आ रहा है, फ्रेम के ऊपर। फ्रेम के ऊपर ही एक्सेल कनेक्टेड होते हैं, एक्सेल पर व्हील होते हैं। जब कोई भी व्हीकल रोड पे चलता है तो उसके व्हील रोड के ऊपर घूमते हैं। अब रोड हमेशा एक जैसा नहीं होता, रोड में कहीं पर स्पीड ब्रेकर होते हैं, कहीं पर गड्ढे होते हैं। जब आपका व्हील गड्ढे में जाता है तो क्या होता है, इम्पैक्ट आता है गाड़ी के ऊपर, एक झटका मिलता है, और ये झटका जो लोड है ये कहाँ पे जाएगा, अल्टीमेटली फ्रेम के ऊपर। आपके पास यहाँ पे हमने असेंबलीज की बात की, इवन आपके व्हीकल में जब सीट्स लगती है तो पैसेंजर बैठते हैं उसके ऊपर, तो पैसेंजर का जो वेट है वो भी अल्टीमेटली फ्रेम के ऊपर आता है। तो फ्रेम इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये सारे टाइप के लोड उसने हैंडल करना चाहिए। देखिए वाइब्रेशन है, इंजन है, क्लच है, गियर बॉक्स, ये सारे कंपोनेंट कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, इसके अंदर मोशन होता है और इसके वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो वाइब्रेशन कैसा होगा, बहुत कम कम फ्रिक्वेंसी वाला वाइब्रेशन होगा। जब व्हीकल किसी गड्ढे में जा रहा है, स्पीड ब्रेकर में जा रहा है, तो हाई फ्रिक्वेंसी वाला वाइब्रेशन होगा। तो फ्रेम ने ये सारे टाइप के वाइब्रेशन भी एब्जॉर्ब करने हैं। वेट जो व्हीकल पे आ रहा है, अगर आपने कार्गो अगर ट्रक की बात करें तो आपको गुड्स कैरी कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसका भी वेट आना चाहिए। तो ये सारी चीजें, सारे लोड फ्रेम ने एब्जॉर्ब करना चाहिए, इसीलिए फ्रेम मजबूत होनी चाहिए। पर उसी टाइम पर ये भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि जो फ्रेम का वेट है, अगर फ्रेम का वेट बहुत ज्यादा रहा तो क्या होगा, उस व्हीकल का वेट बढ़ जाएगा। व्हीकल का वेट बढ़ जाएगा तो इंजन पे ज्यादा लोड आएगा और आपकी व्हीकल की एफिशिएंसी कम होगी। सो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपका जो व्हीकल रहे उसका वेट कम होना चाहिए, और वेट को कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस व्हीकल को लाइट इन वेट बनाएं। तो फ्रेम का वेट कम से कम होना चाहिए, और वो कैसे कर सकते हैं हम इस वीडियो लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो आपको फ्रेम क्या होता है इसका बेसिक आइडिया इस स्लाइड से आ जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रेम क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स में अलग अलग टाइप की फ्रेम यूज में आती है। अलग अलग व्हीकल के लिए समय के साथ अलग अलग टाइप की फ्रेम डेवलप की गई। सबसे पहली जो फ्रेम है उसको कहा जाता है कन्वेंशनल फ्रेम। कन्वेंशनल फ्रेम का मतलब यह है कि पारंपरिक फ्रेम। अब ये इसीलिए नाम पड़ा हुआ है कि जब से ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट हुआ था तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन इसी टाइप का किया जाता था। यानी सबसे पहले एक फ्रेम लेते थे जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट लगाते थे और फिर व्हीकल का कंस्ट्रक्शन होता था। तो इसीलिए ये कन्वेंशनल फ्रेम कहलाती थी। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक फ्रेम लगी हुई है, ये जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं दिस इज नथिंग बट द फ्रेम। तो ये व्हीकल के शुरुआत से लेके एंड तक जाती थी और इसी के आसपास आपके पूरे व्हीकल का कंस्ट्रक्शन होता था। अभी ये वाली जो फ्रेम है इसका यूज लिमिटेड हो गया है हेवी व्हीकल्स में, क्योंकि इस फ्रेम का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इस फ्रेम को यूज करने की वजह से व्हीकल का वेट बढ़ जाता था और हमको छोटे व्हीकल्स में वेट कम करना जरूरी होता है। सो इसीलिए इसका यूज अब सिर्फ हेवी व्हीकल्स में होता है। उसके बाद दूसरा टाइप आता है इंटीग्रल और फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। अब इंटीग्रल वर्ड है, यानी जो व्हीकल की बॉडी है दैट सेम बॉडी वर्क एज अ फ्रेम, यानी फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। फ्रेमलेस मतलब फ्रेम है ही नहीं, यानी जो इस तरह की फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रही है उसका यहाँ पर यूज नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक फ्रेमलेस व्हीकल दिखाई देगा। और तीसरा होता है सेमी इंटीग्रल फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये आपके व्हीकल की बॉडी है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि ये फ्रेम बनी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, शीट मेटल का यूज करके, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग बार्स यूज कर रहे हैं मेटल के, स्टील के बार यूज कर रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग शीट मेटल का यूज कर रहे हैं और एक शीट मेटल से जब व्हीकल की बॉडी फॉर्म करते हैं दैट बॉडी इटसेल्फ एक्ट एज अ फ्रेम। ओके, सो यहाँ पर ये फ्रेम यूज ही नहीं होती, आपको फ्रेम दिखाई देगी नहीं। उसके बाद तीसरा है सेमी इंटीग्रल फ्रेम।
सेमी इंटीग्रल फ्रेम में अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि व्हीकल्स में क्या है कि जो मेन लार्ज कंपोनेंट जो होता है वो होता है इंजन, और इंजन को अगर आपने फ्रेमलेस व्हीकल के ऊपर लगा दिया तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती, तो वाइब्रेशन से आपके व्हीकल की बॉडी हिल सकती है। तो अब जब आपके इंजन का साइज छोटा है तो आप उसको नॉर्मल फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन में फिट कर सकते हो, पर अगर इंजन का साइज बड़ा है जैसे कि कुछ व्हीकल्स में होता है जब आप परफॉर्मेंस व्हीकल्स की बात करते हो, तो अगर वाइब्रेशन ज्यादा है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, व्हीकल की बॉडी वाइब्रेशन की वजह से खराब हो सकती है। तो इसीलिए वहां पर सेमी इंटीग्रल यानी हाफ फ्रेम भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट वाला पार्ट, यहाँ पे ये वाली फ्रेम का आधा हिस्सा यहाँ फिट किया जाता है, और ये किस लिए फिट किया होता है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंजन को फिट करने के लिए लगाया जाता है। सो ये थे तीन टाइप्स ऑफ फ्रेम, इसको आगे डिस्कस डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशनल फ्रेम, ये देखिए यहाँ पे आपको फ्रेम दिखाई दे रही है, तो ये कन्वेंशनल फ्रेम है, सबसे पहली फ्रेम है। जैसे कि मैंने बोला था कि ऑटोमोबाइल का जब से डेवलपमेंट हुआ है तब से इस टाइप की फ्रेम यूज की जा रही है। सो ऑटोमोबाइल के डेवलपमेंट के साथ में ये फ्रेम्स यूज की जा रही है। यहाँ पे फ्रेम देखेंगे आप तो ये स्टील की बनी हुई होती है, ये जो दो मेंबर है ये लंबे मेंबर जो दिखाई दे रहे हैं इनको लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर्स बोलते हैं और इनको बोलते हैं क्रॉस मेंबर्स। तो इस तरह से ये व्हीकल होता है। यहाँ देखिए इस जगह पर इंजन फिट होने वाला है तो इसीलिए यहाँ पर इसको हेवी व्हीकल हेवी टाइप लोड दिया जाता है। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन इंटेल टू लॉन्जिट्यूडिनल रेल्स इंटरकनेक्टेड, तो आपको दो लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर दिखे तो ये आपके लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर, ये पहला लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर और ये दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर, और उसके बाद लैटरल या फिर क्रॉस मेंबर्स। तो क्रॉस मेंबर्स आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, ये देखिए क्रॉस मेंबर्स है, यहाँ पे दूसरा क्रॉस मेंबर है, ये तीनों क्रॉस मेंबर्स है यहाँ पे। सो दीज ऑल आर द क्रॉस मेंबर्स, और ये क्रॉस मेंबर किस लिए लगाते हैं, ताकि हम लोग इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को फिट कर सके। द लैटरल एंड क्रॉस मेंबर प्रोवाइड रिजिडिटी टू स्ट्रक्चर, ये किस लिए यूज होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, आपके व्हीकल को मजबूत करता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो देखिए ये फ्रेम है और ये एक्सेल इसके ऊपर यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। सो इस तरह से व्हीकल को डिजाइन करते हैं फ्रेम को यूज करके। सो एप्लीकेशन कहाँ है याद रखिए, एप्लीकेशन कहाँ पे रहेंगी, नाउअडेज इट इज यूज इन हेवी व्हीकल्स ओनली। तो हेवी व्हीकल्स में फ्रेम कंपोनेंट हमेशा ही होना चाहिए ये कन्वेंशनल फ्रेम, क्योंकि लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, आपका इंजन का साइज बड़ा है, सारे कंपोनेंट का साइज बड़ा है, क्योंकि आप हेवी लोड कैरी कर रहे हो। आप किसी ट्रक की बात करोगे 25 टन अगर उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है तो उसका इंजन बड़ा रहेगा, और 25 टन को भी सपोर्ट करना है, व्हीकल का खुद का वजन कुछ होगा और 25 टन अगर आपको उसको लोड कैरी करना है तो आपको ऐसी फ्रेम यूज करनी ही पड़ेगी। सो इसीलिए ये हेवी व्हीकल्स में यूज होता है, और कुछ एसयूवी में होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में बेसिकली इंजन का साइज ज्यादा होता है, व्हीकल क्रॉस कंट्री इसमें यूज होता है, ऑफ रोड यूज होता है, यानी रोड के बाहर जंगलों में पहाड़ी इलाके में बिना रोड वाले इसमें यूज होता है एडवेंचर पर्पस के लिए, तो इसीलिए वहां पर फ्रेम होना जरूरी होता है। सो दिस इज द यूज ऑफ कन्वेंशनल फ्रेम। देन लेट्स चेक आउट द कंस्ट्रक्शन, कैसे होगा कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो दो लॉन्ग साइड मेंबर्स होंगे जो हमने देखा था, उसके बाद 5 से 6 क्रॉस मेंबर्स होते हैं जो बोल्ट और रिवेट्स के थ्रू या फिर वेल्डिंग के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। अब सेक्शन कौन सा यूज होता है, तो चैनल सेक्शन जनरली यूज होता है। तो आप अगर देखेंगे फ्रेम के बारे में तो जो साइड मेंबर्स होते हैं यानी लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर्स होते हैं वो चैनल सेक्शन के लिए यूज होता है, क्योंकि ये बेंडिंग के लिए, ये बेंडिंग स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है। उसके बाद ट्यूबुलर सेक्शन होता है जो टॉर्शन में बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है। सो टॉर्शन कहाँ पे आएगा, फ्रंट साइड में और बैक साइड में, तो इसीलिए जहां पर भी आपके एक्सेल लगे हुए रहते हैं तो वहां ट्यूबुलर सेक्शन हम लोग जनरली यूज करते हैं। एंड बॉक्स सेक्शन इज गुड रेजिस्टेंस टू बोथ बेंडिंग एंड टॉर्शन, तो यूज किया जाता है। कई बार जब व्हीकल और ज्यादा हेवी है तो चैनल सेक्शन की जगह आई सेक्शन यूज किया जाता है फॉर आपके लॉन्ग मेंबर के लिए, यानी जो लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर है उसमें आई सेक्शन यूज किया जाता है। तो हेवी व्हीकल्स में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आई सेक्शन इज वेरी बेस्ट
इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग एंड बेंडिंग में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है आई सेक्शन, तो इसीलिए वहां पर यूज होता है। बाकी ये सेक्शंस के बारे में आपने डिजाइन में ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो दिस इज द मटेरियल या फ्रेम कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्वेंशनल फ्रेम। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रल और फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। जैसे कि नाम है फ्रेमलेस, तो यहाँ पे फ्रेम रहेगी ही नहीं। दे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो व्हीकल की बॉडी बनी हुई है, दिस इज नथिंग बट द बॉडी ऑफ व्हीकल, और वो बॉडी इटसेल्फ एक्ट एज अ फ्रेम फॉर व्हीकल। तो ये जो बॉडी है ये शीट मेटल से बनी हुई है, और ये शीट मेटल से बनी हुई बॉडी के ऊपर ये, हाँ, ये जो बीम बने हुए तो है, कुछ कंपोनेंट और ज्यादा हेवी बनाए जाते हैं बाय यूजिंग शीट मेटल ओनली, ताकि ये कंपोनेंट यहाँ पर फिट किए जा सके। सो दिस इज द फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, ये सारी बॉडी एक शीट मेटल से बनते हैं, अलग अलग पैनल्स बनते हैं, और फिर उसको वेल्ड किया जाता है। यहाँ पे रिवेट्स यूज नहीं होते, यहाँ पे नट एंड बोल्ट यूज नहीं होते हैं, यहाँ पर होती है वेल्डिंग। सो वेल्डिंग और शीट मेटल, इनका कॉम्बिनेशन होता है फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इसमें क्या होगा, इन दिस टाइप फ्रेम इज टोटली डिस्कार्डेड एंड डिफरेंट यूनिट आर फिक्स्ड टू द बॉडी इटसेल्फ, सो इट्स कॉल्ड एज फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। तो ये फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन इस टाइप का होता है, यहाँ पे इसी के ऊपर व्हीकल की बॉडी को फिट किया जा सकता है। यहाँ ये जो डायरेक्शन दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे एरो है, ये मेन इसके बीम्स है, तो यहाँ पर हेवी कंस्ट्रक्शन किया जाता है, सो दैट क्योंकि लोड यहाँ पर आने वाला है व्हीकल का, तो ये हेवी करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो शीट मेटल से ही उसको दो या तीन लेयर से बना के फॉर्म करके इन मटेरियल यहाँ पे ज्यादा होल्ड करते हैं, तो ये होता है फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। अब इसके एडवांटेज क्या है, मोर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। ओके, तो स्ट्रेंथ क्या देंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है क्योंकि नट और बोल्ट नहीं होते हैं, लाइट इन वेट होता है, आपको हेवी फ्रेम यूज नहीं हो रही है, नो बॉडी रैटल्स। यानी आपने कई बार देखा होगा जब वो ट्रक वगैरह चलते हैं, तो जब जहाँ पे भी नट या बोल्ट यूज होते हैं तो बॉडी की आवाज आती है, घिसने की आवाज आती है, या बॉडी जब चलते ब्रेक वगैरह आप करते हो तो बॉडी में आवाज आती है। ये आपने देखा होगा गवर्नमेंट बसेस में, अगर आपने ट्रैवल किया होगा या आपने कभी किसी ट्रक के बारे में देखा होगा, तो वहाँ पे ये बॉडी रैटल्स हमेशा नॉइसेस होते रहती है। नाउ बॉडी, इसमें फायदा क्या होगा, बेसिकली जो फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन है, इट इज यूज इन केस ऑफ योर कार्स एंड ऑल टाइप सच टाइप ऑफ व्हीकल, तो वहाँ पे लाइट इन वेट होना बहुत जरूरी है। इसके वजह से क्या होता है कि व्हीकल का परफॉर्मेंस बढ़ता है, जो बॉडी रैटल्स है वो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आपने पूरी बॉडी वेल्ड करके बनाई हुई है, तो कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी कंपोनेंट आपस में घिसते नहीं है, और घिसते नहीं है तो आवाज नहीं आता है। उसके बाद व्हीकल का परफॉर्मेंस बढ़ता है, रोड होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बॉडी इस तरह से डिजाइन की जाती है कि जो एरोडायनामिक है, जो एयर का फ्लो हो रहा है बॉडी के ऊपर से, उसको हम सही तरीके से इम्प्रूव कर पाते हैं। तो इसीलिए व्हीकल का परफॉर्मेंस और रोड होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे व्हीकल्स की क्या होती है, हाइट कम हो जाती है, हाइट कम हो जाएगी तो व्हीकल की जो बॉडी रहेगी वो रोड के नजदीक होकर चलती है, ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है, और इन सारी चीज की वजह से आपके व्हीकल का परफॉर्मेंस बढ़ता है, व्हीकल रोड के साथ में कॉन्टैक्ट में रह के ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रैक्शन अच्छा बेटर होता है, इसीलिए परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। देन लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे कि मैंने बोला कि हाइट कम है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी नहीं आती। और उसके बाद चीपर इफ मैन्युफैक्चर्ड इन मास प्रोडक्शन। तो अगर सिंगल व्हीकल के लिए आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो इट इज वेरी हेवी, वेरी एक्सपेंसिव, बट मास प्रोडक्शन में यूज होता है, तो इसीलिए कार्स वगैरह में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज में क्या रहेगा, एक्सपेंसिव टू रिपेयर इफ कार इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज्यादा रिपेयरिंग बहुत कॉस्टली हो जाता है, बहुत अच्छी या बोल सकते हैं एक्सपीरियंस्ड वर्कर लगता है उसको रिपेयर करने के लिए, और अगर आपका कोई पार्ट पूरी तरह से डैमेज होगा है तो उसको काट के वापस लगाना वो बहुत ज़्यादा
डिफिकल्ट होता है और उसके बाद वो परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा आता नहीं है। उसके बाद चांसेस ऑफ इंजरी टू ड्राइवर ऑन कोलिजन थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने फ्रेम लगाई हुई है तो फ्रेम क्या करती है कि इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, पर यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एंड देन यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ओनली लिमिटेड टू स्मॉल कार। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है इसको आप हेवी व्हीकल्स में यूज नहीं कर सकते। सो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। और लाइफ लिमिटेड होती है, बट अभी ये डिसएडवांटेज इतना काम में नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे नए नए मटेरियल डेवलप हो रहे हैं तो ये सारे एडवांटेजेस को, सॉरी डिसएडवांटेजेस को दूर करने में काम आ रहा है। देन हाफ इंटीग्रल और हाफ फ्रेम। तो हाफ इंटीग्रल फ्रेम कैसे होती है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इन सम ऑफ द व्हीकल हाफ फ्रेम इज फिक्स्ड एट फ्रंट एंड ऑन विच द इंजिन गियर बॉक्स एंड सस्पेंशन इज माउंटेड। तो जो फ्रंट वाला साइड होता है, जैसे कि व्हीकल में जो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन जो क्वाट करता है वो होता है इंजिन, तो फ्रंट साइड में आप क्या करते हो, कन्वेंशनल फ्रेम का हाफ साइड लगा देते हो। तो ये जो हाफ फ्रेम है या हाफ इंटीग्रल फ्रेम है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है कन्वेंशनल और फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन फ्रेमलेस होगा, बस उसके फ्रंट साइड में फ्रेम का आधा पार्ट, आधी फ्रेम सामने में फिट की जाती है, ताकि इंजिन और जो कंपोनेंट होते हैं जो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं वो वहां पर फिट किया जा सके, ताकि आपके जो व्हीकल की लाइफ है वो बढ़ जाए। सो बाकी की चीजें जो होती है वो यहाँ पर इसी हिसाब से रहती है। सो दिस फ्रेम इज बोल्टेड टू द फ्लोर एंड रियर पोर्शन ऑफ द फ्लोर वर्क एज अ फ्लोर और बॉडी। तो बाकी का जो है सिस्टम वैसे रहेगा। देन एडवांटेज क्या होगा, इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट द होल हाफ फ्रेम कैन बी टेकन आउट इजीली फॉर रिप्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द कंप्लीट चेचिस फ्रेम। सो एक्सीडेंट के टाइम पे, रिपेयरिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होता है, क्योंकि आधी फ्रेम अगर आपने लगाई है और डैमेज अगर हो रहा है तो आप उतना ही पार्ट को निकाल के वापस लगा सकते हैं। सो दिस इज दी हाफ और हाफ इंटीग्रल फ्रेम। देन दिस इज दी लास्ट टॉपिक, बेसिक बॉडी नॉमिनक्लेचर। तो बेसिक बॉडी नॉमिनक्लेचर क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, रियर बम्पर है, ट्रक लीड है, रूफ पैनल है, हुड है, आउटर पैनल है, रॉकर पैनल स्किन है, फेंडर, फ्रंट बम्पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो व्हीकल की बॉडी है, व्हीकल की बॉडी रहेगी। ये कार की अगर बॉडी है तो नॉमिनक्लेचर कैसा होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये बॉडी है और इसके ऊपर ये सारे पार्ट्स फिट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको रूफ बोलते हैं, तो रूफ के लिए एक सिंगल पैनल बना हुआ होता है तो उसको रूफ पैनल बोलेंगे। जहां पर इंजन फिट होता है तो वो होता है हुड, तो इंजन जहाँ फिट होता है तो उसको हुड बोलते हैं, तो आपका जो सामने का कवर है उसको आप हुड बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले होती है ग्रिल, और ग्रिल के नीचे लगता है फ्रंट बम्पर। ओके, जो फ्रंट के साइड के होते हैं उनको फेंडर बोलते हैं, तो ये एक फेंडर इधर रहेगा, एक फेंडर इधर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये रॉकर पैनल स्क्रीन आता है, फिर क्वार्टर पैनल जो पीछे की व्हीकल को कवर करता है, उसके बाद रियर बम्पर नीचे रहता है, और जो डिक्की का पार्ट होता है उसको ट्रंक बोलते हैं, और जो ऊपर ओपन होता है उसको ट्रंक की लीड बोलते हैं, क्योंकि ट्रंक का जो ढक्कन होता है उसको ट्रंक लीड बोला जाता है। सो दीज ऑल आर दी बेसिक कंपोनेंट। सो ये याद रखिए कि कितनी क्या क्या चीजें होती है। सो इन दिस वे वी हैव नोन अबाउट दी बेसिक नॉमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी। नाउ इन द एंड लेट समराइज दिस लेक्चर। सो आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर विल बी लिस्ट टाइप्स ऑफ फ्रेम हम लोगों ने देखे, लिस्ट फंक्शन ऑफ फ्रेम हम लोगों ने देखे है, लोड एक्टिंग ऑन फ्रेम देखे है, और अलग अलग टाइप के फ्रेम किस तरह से होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में देखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रेम। सो POPSO मैपिंग, PO1 यानी बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज मैप किया था हम लोगों ने, PO4 मैप किया था जो था एक्सपेरिमेंटेशन टेस्टिंग एंड प्रैक्टिसेस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट को भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैपिंग और फॉर दिस वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ये दो वीडियो जो हमने पिछले वीडियो देखे हैं,
इनमें हम लोगों ने फ्रेम्स, फ्रेम के फंक्शन, फ्रेम के टाइप्स के बारे में देखा, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में देखा है। सो फ्रेम्स के बारे में हम लोग अब सब कुछ जान चुके हैं। अब जो हमें जानना है वो है कि व्हीकल के बॉडी को एरोडायनामिक शेप किस तरह से देते हैं और एरोडायनामिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सो हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो होगा एरोडायनामिक्स पर। सो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।